सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। नमस्कार, हैथवे बीटीवी न्यूज़ के दर्शकों को वेलकम। आज की हमारी मर्दानी में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने खूबसूरती के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया है, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके सफ़र जो यहां तक वो पहुंची हैं उसमें का साथ उन्हें मिला और आगे उनके क्या सपने हैं। पूर्णिमा गोयल से हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। पूर्णिमा जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी जो स्टार्टिंग थी लिंक वो कहाँ से हुई और उसके बीच में क्या क्या इंटरेस्ट थे आपके, आपकी ग्रेजुएशन पूरी उसके बाद? मैंने स्कूलिंग जयपुर से ही की है। मैं शुरू से यहीं पे पली बड़ी हूँ, यहीं पे मेरा ये बर्थ प्लेस है जयपुर। तो जयपुर से मैंने SJ पब्लिक स्कूल है जनता कॉलोनी में, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी करी है। फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन महारानी कॉलेज से किया है, BSc से, एंड देन उसके बाद मैंने BEd की स्टडी की थी। फिर उसके बाद मेकअप कोर्स सीखा था मैंने मेकअप स्टूडियो अकेडमी दिल्ली से, वहाँ से मैंने पूरा मेकअप का कोर्स किया है। एंड देन मैंने पूरा ब्यूटी का कोर्स किया है चंडीगढ़ क्लियोपेट्रा से। तो इस तरीके से मेरा पूरा कौन से ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और कब आपको लगा कि आप इस क्षेत्र में एक अलग अपना पहचान बनाएंगे? ग्रेजुएशन मेरी 2003 में कंप्लीट हुई थी, एंड या ग्रेजुएशन मेरी 2003 में कंप्लीट हुई थी। और ये जो मेरा ब्यूटी के क्षेत्र में आने का जो डिसीजन था वो मेरा आफ्टर मैरिज मैंने डिसीजन लिया था। इसमें मेरा और मेरे हस्बैंड का पूरा कोऑपरेशन था, हम दोनों ने ही मिलकर डिसाइड किया था कि हम लोग जयपुर के अंदर एक अच्छा सा स्पा सैलून लेकर आएंगे। स्कूल में जब स्कूल टाइम था आपका, तो उस समय क्या क्या आपके इंटरेस्ट थे? कभी सोचा था उस टाइम के अंदर कि कोर्स तो आपने ग्रेजुएशन के बाद में पिकअप किया होगा, स्कूल के अंदर आपके इंटरेस्ट कौन कौन से खेल आप खेला करते थे, उस समय पेरेंट्स की क्या थिंकिंग थी, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं आपको, उसका टाइम का थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, मुझे पढ़ने का शुरू से बहुत शौक था, मैं शुरू से कुछ बनना चाहती थी। मैंने BSc की है और उससे पहले मेरे पास साइंस था 11th-12th के अंदर, तो बायोलॉजी था मेरे पास। तो मुझे पढ़ने का शुरू से शौक था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मुझे शुरू से लिविंग बींग्स के साथ रहने का, मतलब उनके साथ यू नो कुछ ना कुछ डिस्कवरी करने का मुझे बहुत शौक था, जैसे डाइसेक्शन के एनिमल्स का। तो मेरे को शुरू से मैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई थी, तो मेरा मन था डॉक्टर बनने का। फिर आफ्टर मैरिज हम लोगों का डिसीजन हुआ स्पा खोलने का, तो इसमें भी मुझे बहुत इंटरेस्ट आया क्योंकि ये भी हमारे कुछ कहीं ना कहीं हमारी ब्यूटी हमारे लिविंग बींग से जुड़ता हुआ क्षेत्र है। नेचुरली नेचुरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेकर अभी आपने शुरू किया है ऑर्गेनिक ब्यूटी, जो बाज़ार में जो मटेरियल है वो किस तरीके से हार्मफुल है और कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, और अभी जो ऑर्गेनिक वाला इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हम लोग अभी हमारे सैलून को पूरा 1 साल हो गया है, इस खुशी में हम लोगों ने ये सोचा है कि हम गो ग्रीन कंसेप्ट जयपुर के अंदर लेकर आएँ, राजस्थान के अंदर लेकर आएँ। आजकल सब लोगों की लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है, जंक फूड खाना, नॉनवेज खाना, और हमारे नेचुरल ब्यूटी की तरफ, नेचुरल एनवायरनमेंट की तरफ आजकल कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो हम लोगों ने यही सब चीज़ सोचते हुए ये हम लोगों ने एक आइडिया लेकर आए हैं सब लोगों के बीच में कि हम लोग जयपुर को ग्रीन बनाएँ, क्लीन बनाएँ, गो ग्रीन कराएँ। तो इसमें हम लोग सब लोगों को एक सैपलिंग्स दे रहे हैं, प्लांट गिफ्ट कर रहे हैं, जिससे वो लोग अपने घर के अंदर लगाएं, औरों को भी बोलें लगाने के लिए। और हम लोगों ने फेस का भी इसमें पूरा पूरा ध्यान रखा है, हम लोगों ने सबको ऑर्गेनिक फेशियल्स के बारे में समझाया है, हमारे नए क्लाइंट्स को, हमारे जो भी क्लाइंट्स पुराने आ रहे हैं उनको, कि हम लोग हमारे फेस पर भी केमिकल्स ना लगाएं। हमारे मार्केट के अंदर सब कुछ ऑर्गेनिक के नाम पर और नेचुरल ब्यूटी के नाम पर बहुत प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पर उन सब में कहीं ना कहीं केमिकल ज़रूर होता है जो कि हमारी स्किन को किसी ना किसी तरीके से हार्म करता है। तो हम लोगों ने हमारे इस कार्निवाल में, हमारे इस ब्यूटी सेशन में, हमने ब्यूटी फ्रॉम किचन प्रमोट किया है, जिसमें हम लोगों के जो भी प्रोडक्ट्स घर में होते हैं, जैसे दाल है, चावल है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कैसे आप अपने घर में ही रखे हुए सामानों से अपना फेशियल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फेशियल कर सकते हैं जो कि प्योरली ऑर्गेनिक होता है, कहीं कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, और आपकी स्किन उससे बहुत अच्छी हो जाती है।
पूर्णिमा का मानना है कि बड़े शहरों के मुकाबले जयपुर में सिक्योरिटी पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। महिलाओं को अपनी सेफ्टी के बारे में खुद ही सोचना होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है फैमिली का सपोर्ट मिलना। इस बिजनेस में पूर्णिमा को उनके पति का पूरा सहयोग मिला। जयपुर पहले बहुत सेफ सिटी माना जाता था, दिल्ली और बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही ये सब लेडीज़ को लेके, गर्ल्स को लेके प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। बट अब जयपुर में भी बहुत इनसिक्योरिटी हो गई है लेडीज़ को लेके। आजकल लड़कियां और जो हमारी लेडीज़ हैं वो काफ़ी मॉडर्न हो गई हैं, शॉर्ट ड्रेसेस पहनना और ये सब। वो लोग अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहती हैं। तो जयपुर के अंदर अब केसेस बहुत होने लग गए फीमेल्स को लेके, लेडीज़ को ले होके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लेडीज़, सभी हमारी लड़कियाँ अपने आप को लेके सिक्योर हो जाएँ। रात को देर तक घूमना या शॉर्ट ड्रेसेस पहनना वो लोग अवॉइड करें जितना हो सकता है, क्योंकि हमारी जो सेफ जयपुर है वो हमेशा सेफ रहे। जिससे पहले जब तक मैं इस फील्ड में नहीं आई थी तब तक मुझे भी लेट नाइट नहीं जाने को अलाउ होता था, पर अब क्योंकि मैं इस फील्ड में आ चुकी हूँ तो मुझे सैलून में भी लेट नाइट तक रुकना पड़ता है और काम से बाहर जाना पड़ता है। तो इसमें मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का, मेरे इन लॉज का, सबका पूरा सपोर्ट रहता है। वो हमेशा मेरे साथ होते हैं, मुझे अकेले कहीं नहीं भेजते, पर हाँ हमेशा मेरे साथ किसी ना किसी को साथ में ज़रूर भेजते हैं। बेसिकली इट इज़, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है हमेशा कि आप एक वुमेन को इस चीज़ के लिए करें कि वो लेट नाइट जा रही है तो गलती उसी की है। इसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेज हैं जिसके कारण ये पूरा समाज है। बेसिकली हर चीज़ दिमाग से चलती है, तो अगर किसी के दिमाग में कुछ भी गलत है तो उसके लिए आप अपनी वुमेन को, अपनी वाइफ को ब्लेम नहीं कर सकते कि इट इज़ ओनली योर फॉल्ट जिसकी वजह से कोई भी हैपनिंग मिस हैपनिंग हुई है। हर चीज़ के प्रिकॉशंस हैं, हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके पीछे आपको ध्यान रखना ज़रूर होता है। इट इज़ नॉट कि दुनिया के भरोसे ही आप सारी चीज़ें करते चलें। इट इज़ लाइक कि मैंने जब भी अपनी वाइफ को लेट नाइट लेट वर्क के लिए भेजा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी वाइफ का पूरा ध्यान रखूं उस जगह, क्योंकि इफ़ ही इज़ डूइंग बिजनेस तो मुझे अपने घर बाहर का ध्यान और अपनी फैमिली का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे आदर्श कभी नहीं बदलते। पूर्णिमा का कहना है कि समय के साथ काफ़ी कुछ बदला है। आज हम चाहे जो भी करें, जैसी भी जिंदगी जिए, हमें हमारे ट्रेडिशन नहीं भूलने चाहिए। जो फ्रीडम महिलाओं को मिली है वे उसका उपयोग करें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएं। उन्होंने कहा कि फैमिली को चाहिए कि वो परिवार की सदस्य होने के नाते महिलाओं का सपोर्ट करे। ट्रेडिशंस को लेके मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले और अब में ट्रेडिशन बहुत डिफरेंट हो गया है। पहले घर में लेडीज़ को पर्दे में रखा जाता था, उनको घर से बाहर रात को नहीं भेजा जाता था, बड़ों से बोलने नहीं दिया जाता था, आदमियों के सामने, जेंट्स के सामने वो हमेशा घूंघट में रहती थी। अब वो सारे ट्रेडिशंस बदल चुके हैं, सबको फ्रीडम है अपने तरीके से खाने की, उठने बैठने की, सब जगह जाने की। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ जो फ्रीडम अब लेडीज़ को मिली है, गर्ल्स को मिली है, उसका वो लोग रिस्पेक्ट करें, उसको अच्छे तरीके से उपयोग करें, उसका फ़ायदा ना उठाएं। और अभी हमारे जो कानून नए बने हैं, जो हमारे एक्ट बने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं उसके लिए भी बोलना चाहूँगी कि जैसे कि कोई भी टीनेजर होता है, यंग लड़का होता है, अगर वो कुछ भी मिसहैपनिंग करता है किसी भी लड़की के साथ, तो उसमें उसका वो नहीं देखा जाता है कि उसने क्या किया है, उसकी सबसे पहले उम्र देखी जाती है, उसका मानसिक संतुलन देखा जाता है कि वो मानसिक संतुलन उसका सही नहीं था तो इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। पर हम उस जगह, हम इस चीज़ को बहुत गलत मानते हैं, इस एक्ट को। अगर उसने कोई गलती की है तो उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उसमें उसकी उम्र, उसका मानसिक संतुलन, वो कहाँ का रहने वाला है, ये सब नहीं देखना चाहिए। पूर्णिमा की नज़र में तन से ज़्यादा मन की खूबसूरती पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो चाहे आप कितना भी मेकअप कर लें, कितने ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, आप खूबसूरत नहीं दिखेंगे। एक खूबसूरत व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर से जो दिखता है वही है। खूबसूरत व्यक्ति अपने विचारों से होता है, उसके विचार बहुत अच्छे होने चाहिए। यहाँ पे भी हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, उनके डार्क सर्कल्स होते हैं या प्रॉब्लम होती है स्किन में लेके, तो हम सबसे पहले उनको एक ही राय देते हैं कि आप खुश रहिए, आप अच्छे से अपनी नींद पूरी कीजिए, टेंशन मत लीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए, तो आपकी स्किन अपने आप ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो ब्यूटी आपकी ऑल ओवर हेल्थ को लेके होती है, ना कि सिर्फ फेशियल्स कराने से पूरी होती है। तो ब्यूटी आपके खुश रहने से, आपके सबके साथ मिलजुल के रहने से, इन सबसे होती है। हर कोई सपना देखता है। पूर्णिमा ने भी अपने सपने को हमारे साथ शेयर किया। तो हमारा पूरा यही ड्रीम है कि पहले हम इसको अच्छे से सक्सेसफुल चलाएं, क्लाइंट्स को अच्छे से अच्छी सर्विसेज दें,
और फिर जयपुर के अलग अलग क्षेत्र में हम लोग अपने अपने ब्रांचेस खोलें सिल्वरीन के नाम से। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ, सभी जयपुर वासियों को, सभी देश वालों को, कि जो भी अभी हमें लेडीज़ को फ्रीडम मिली है, जो भी उन्हें आज़ादी मिली है, उसे वो अच्छे से उपयोग करें, अपने बलबूते पे खड़े हों। अब एजुकेशन के लिए उन लोग को पूरी फ्रीडम है, तो अच्छे से एजुकेशन लें जिससे वो आगे अपने फ्यूचर बच्चों को सबको पढ़ा सकें। और मैं सभी मेल्स को बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने जो अपनी फ्रीडम दी है अपनी लेडीज़ को, अपनी वाइफ को, सबको, उनको वो हमेशा देते रहें, उनके साथ हमेशा रहें, सपोर्ट करें जिससे कि कोई भी गलत काम ना हो। मैं इतना से ही कहना चाहती हूँ कि फैमिली में अगर सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे जैसे कि मेरी फैमिली ने किया, तो कोई भी क्राइम नहीं होगा। क्राइम तभी होता है जहाँ कोई कमी रह जाती है किसी ना किसी की, जब ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी फैमिली वाले, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज, सब एक दूसरे का सपोर्ट करें जिससे कि लेडीज़ भी आगे बढ़ें और वो लोग भी आगे बढ़ें। ये थी हमारी आज की मर्दानी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई मर्दानी के साथ। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी।